गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। हमने नागरिक शास्त्र लिया है, अध्याय 4। अध्याय का नाम है केंद्र की सरकार, भाग 2 है, ठीक है। इसके पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि हमारे देश में कितने प्रकार की सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार, इसके बारे में हम क्या कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियाँ, ठीक है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, तथा देश के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, परंतु उनके समस्त शक्तियाँ क्या होती है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही मंत्रिपरिषद निर्णय लेती है, ठीक है। आते हैं राष्ट्रपति की सर्वोच्च शक्तियाँ, तो राष्ट्रपति की सर्वोच्च शक्तियाँ निम्नलिखित है। पहला है राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार की से क्या बोलते हैं, अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश के अध्यक्ष, ठीक है, इन सब की क्या करती है? नियुक्ति करती है। साथ ही राष्ट्रपति सेनाओं में सर्वोच्च सेनापति होता है। तीसरा क्या होता है? राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति होती है। चौथा, राष्ट्रपति को यदि किसी प्रकार देश में युद्ध का समय, युद्ध को टालने के लिए, साथ ही अगर लगता है शांति को खतरा है तो युद्ध की घोषणा कर सकता है, या युद्ध को टालने के लिए या युद्ध के लिए आपातकाल की भी घोषणा कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को किसी को क्षमा दान करने, उनकी गलतियों को माफ करने, युद्ध रोकने, आपस में संधि एवं समझौता करने की भी शक्तियाँ प्राप्त होती है। इस प्रकार राष्ट्रपति क्या होता है? कार्यपालिका में प्रमुख माना गया है, और बहुत से कार्य राष्ट्रपति के नेतृत्व में भी किए जाते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।